Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, मैं फिर से back हो चुका हूँ ABC back के साथ में, जो कि हमारा trick है Cramer's rule का. ठीक है ना friends? अगर ABC back नहीं होता तो हमको Cramer's rule बहुत ज़्यादा hard पड़ता. ठीक है ना friends? तो अब हम इसमें जो ये practice set हमारा शुरू है linear equation in two variables का, हाँ practice set 1.3 का फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ सम हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री का. सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ABC बैक मतलब क्रैमर्स रूल हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये जो ABC बैक में जो बोल रहा हूँ ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, बराबर. तो फ्रेंड्स, इसको अगर हम फोकस करके अगर करेंगे सम, तो बहुत जल्दी हमारा सम अच्छी तरीके से राइट हो जाएगा कि हमको कौन सा वैल्यू कहाँ पे लेना है. ठीक है, तो इसके लिए एबीसी बैक का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे है. ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ फोकस कीजिए आप यहाँ पे. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल. अब यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, 6x-4y-12y, फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 8x-3y-2. अब ये हम लोगों को दो इक्वेशन दिए हैं. अब ये एबीसी बैक मैंने ऊपर लिखा हुआ है, बैक बोले तो के यहाँ पे नहीं है, मतलब पूरा ऐसे ही मत जाओ, एबीसी बैक. ठीक है, तो अब ए बी क्या होएगा हम लोगों का, डी का वैल्यू तय करेगा, सी बी हमारा डी एक्स का वैल्यू तय करेगा और ए सी हमारा किसका वैल्यू तय करेगा, तो डी वाई का. ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम ज्यादा नहीं बोलते हैं और चलते हैं हमारे सम की ओर. तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो ये है हमारा सॉल्यूशन. अब ये क्या है, 6x-4y=-12 आया, बराबर. अब हम लोग इसको क्या अज्यूम कर लेंगे, जैसे a1x+b1y=c1 है ये हमारा, बराबर. फिर उसके बाद में ये क्या है हम लोगों का, 8x- क्या है ये हम लोगों का, 3y=-2, बराबर. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, अब यहाँ पे a2x+b2y=c2. अब हम लोगों को a1, b1, c1 का वैल्यू यहाँ पे लिखना है. तो a1=6, b1=-4, c1=-12, फिर a2=8, b2=-3 और c2=, कितना है हमारा, -2 है. अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, d का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो d के लिए क्या चाहिए था हम लोगों को, ab, तो हम लोगों का a1b1 लिखा और a2b2 लिखा. ठीक है, तो a1b1 में हमारा क्या है, तो ये है हम लोगों का 6 और ये है -4. a2 कितना है हमारा, 8 और ये कितना है हमारा, -3 है. अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 6 × -3 हुआ, यहाँ पे बीच में कई का साइन आएगा माइनस का, फिर ये -4 × 8 किया हम लोगों ने और क्या आएगा ये हम लोगों का, 6 × 3 = क्या होता है दोस्तों, -18, फिर ये यहाँ पे माइनस, बराबर. फिर हम लोगों को 8 × 4 = कितना होता है, तो 8 × 4 = होता है हम लोगों का 32, बट ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ गया. अब ये क्या है हम लोगों का, -18 और +32. अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस करेंगे. अब जरा फोकस कीजिए यहाँ पे, ये कितना है, 32 है. हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 30 मान के चलते हैं इसको थोड़ी देर के लिए और इसको 20 मानते हैं. तो 30 में से अगर 20 चला गया तो कितना बचा, 10 बचा, बराबर या नहीं, हाँ. तो हमारा ये कितना बचा है यहाँ पे, 10 बचा है. और अब हम लोगों ने ये यहाँ के 2 ज़्यादा बड़ा लिए थे और यहाँ का 2 नहीं लिया था, तो मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों 2 को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2+2 क्या होता है हम लोगों का, 4 होता है. तो ये हम लोगों को कितना आ जाएगा यहाँ पे, 14 आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को मेंटली फटाफट माइनस करते आना चाहिए. ठीक है, तो ये हम लोगों ने 14 यहाँ पे लिख दिया. अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, तो इसके बाद में हमको dx का वैल्यू फाइंड करना है.
क्या है ये हम लोगों का डी एक्स, ठीक है ना। अरे यार, तो डी एक्स का जब हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या चाहिए रहता है, ए बी सी, बराबर। तो ए बी सी बैक, तो सी बी आ जाएगा हम लोगों का डी एक्स के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सी वन बी वन सी टू बी टू। फिर अब इसके जितने भी वैल्यूज है ना वो सारे के सारे हम लोगों को यहाँ पे पुट करने हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जरा फोकस कीजिए आप। C1 कितना है हमारा, तो ये है माइनस 12। B1 कितना है हमारा, माइनस 4 है। फिर C2 कितना है हम लोगों का, माइनस 2 है। और ये कितना है हम लोगों का, माइनस 3 है। तो अब यहाँ पे तो लगभग सब माइनस माइनस में ही है, तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये क्या है, माइनस 12 इंटू माइनस 3, एक ब्रैकेट हुआ। फिर ये माइनस माइनस 4 इंटू माइनस 2। अब क्या है कि यहाँ पे है ना, ये जितने भी माइनस है ना सब कट जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं मल्टीप्लाई में। तो अब हम लोगों का कोई टेंशन बचा ही नहीं है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया हम लोगों का, 36 माइनस कितना लिखा मैंने, 8 लिखा। अब यहाँ पे जरा फोकस कीजिए आप, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको, तो ऐसा लिख देते हैं। अब 30 में से क्या करो, पहले 6 को निकालो तो कितना बचा, 30। फिर और 2 को निकाल दो तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 28। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं किधर, डी वाई पे। तो डी वाई क्या है हम लोगों का, तो ए सी, हाँ बैक का ए सी बचा हुआ है। तो ये क्या है, ए वन सी वन और ए टू और क्या आएगा हम लोगों का, सी टू। अब फटाफट इसके वैल्यूज पुट कर दो। तो ए वन कितना है हमारा, 6 है। और सी वन कितना है हमारा, माइनस 12। फिर उसके बाद में ए टू कितना है भाई हमारा, 8 है। और सी टू कितना है हमारा, माइनस 2 है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 इंटू 2 माइनस, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, माइनस 12 इंटू 8 किया। तो ये 6 2 0 क्या होता है, 12 होता है। फिर ये यहाँ पे माइनस, और ये कितना हो जाए, 12 8 0 कितना होता है हम लोगों का, 96। बट एक हम लोगों के यहाँ पे नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन आ जाएगा। फिर क्या है, ये 12 माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है। और ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे 96। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको प्लस कर देंगे, बराबर ना। कि क्या करेंगे, जरा फोकस कीजिए आप एक मिनट। ये 6 इंटू माइनस 2 है, देखो ये लिखने के टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। ये 6 इंटू माइनस 2 था, ठीक है ना। तो ये क्या है हम लोगों का, माइनस 2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये यहाँ पे माइनस, बराबर ना। तो अब हमारा आंसर यहाँ से चेंज हो जाता है। तो 96 माइनस 12 करना है, तो 96 में से पहले क्या करो मालूम है क्या, 10 को माइनस करो तो कितना बचेगा, 86। 86 में से और 2 को माइनस करो तो कितना बचेगा हम लोगों के पास में, 84। अब हमारा ये सम हो चुका है एकदम बराबर, बराबर, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों के छोटे छोटे बातों पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, कभी कौन सा माइनस का साइन कहाँ लगाना है, क्या नहीं लगाना है। तो ये सब कैसे होएगा हम लोगों को, और कैसे इसकी आदत पड़ेगी, तो हम लोगों को इसके लिए क्या करना होगा, सम जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पहले तो माइंड क्या होना चाहिए, एकदम कूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकदम हम कूल होने चाहिए, कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए हम लोगों को। और एक दूसरी बात, हम लोगों को क्या है कि पूरा का पूरा फोकस्ड होना है वहां पे, पूरा सम के अंदर आपको गिर जाना है, बराबर डूब जाना है उस सम के अंदर, तभी आप वो सम को बराबर तरीके से कर सकते हो। और अगर आपका थोड़ा भी ध्यान वहां पे नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलो, तो अब हम लोग ये यहाँ पे आ गए। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्या है हम लोगों का, डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स कितना है, जरा फोकस कीजिए आप यहाँ पे, ये है हम लोगों का 28 और ये कितना है हमारा, 14 है, बराबर। तो 14 14 1 14 14 2 0 कितना होता है हम लोगों का, 28, ठीक है। तो ये आ गया 2। तो देयर फॉर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू है ना भाई, डी एक्स कहाँ है वो, बराबर ना।
तो देयर फॉर एक्स इज इक्वल्स टू कितना है दोस्तों, दो आ चुका है हम लोगों को यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पे वाई, तो वाई क्या है हम लोगों का डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई कितना है हमारा 84 है और ये कितना है 14, तो 14 वन हजार कितना होता है हम लोगों का 14 और 14 सिक्स हजार कितना होता है 84, तो यहाँ पे ये आ गया 6, तो देयर फॉर y इक्वल्स टू कितना आ चुका है हम लोगों का 6 आ चुका है। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे, तो x कॉमा y इज इक्वल्स टू 2.6 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ सम की ओर। फोर्थ सम हमको बहुत धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्व करना है, क्योंकि अगर ये इक्वल टू के बाहर का जो नंबर देख रहे हैं ये है 54 और 28, तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हमको प्रिकॉशन लेके यहाँ पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ फोकस कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के टाइम पे भी हमको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, बराबर। तो चलो हम लोग इसको करते हैं फटाफट तरीके से सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन, और क्या आएगा यहाँ पे 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 54, और ये है हम लोगों का 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 28। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशंस है ये लिख देता हूँ मैं a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, और ये क्या है हम लोगों का a2x प्लस b2y इक्वल्स टू क्या है, ये हमारा C2 है। फिर हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, A1 का वैल्यू कितना है 4 है, B1 का वैल्यू कितना है 6, C1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 54, फिर यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना है 3, फिर उसके बाद में A2 हो गया, फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों का B2 का वैल्यू कितना है 2, और C2 का वैल्यू कितना है हमारा 28 है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होएगा हम लोगों को, ए बी सी, तो A1 B1 और A2, और क्या आएगा हम लोगों का B2 आएगा। तो A1 कितना है हमारा 4 है, B1 कितना है 6 है, A2 कितना है हमारा 3 है, और ये कितना है हमारा 2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो 4 इंटू 2 लिखा माइनस 6 इंटू 3, बराबर। तो 4 टू हज़ार कितना होता है 8 और 6 थ्री हज़ार 18, तो यहाँ पे आ गया हम लोगों को कितना, ये माइनस 10 आ चुका है। डी का वैल्यू कितना आया है हम लोगों को, माइनस 10। अब हम इसको धीरे धीरे तरीके से करते हैं, तो अब हम लोगों को क्या आएगा यहाँ पे, तो डी एक्स, तो डी एक्स के लिए हम लोगों को क्या लिखना है, ए बी सी बैक, तो सी और बी आएगा हमारा, तो सी वन देखो ये है हम लोगों का सी बी, हम लोग किसके लिए लेंगे, तो डी एक्स के लिए लेंगे, तो यहाँ पे बी वन, फिर सी टू और क्या है हम लोगों का बी टू है, बराबर। तो अब हम लोगों के नंबर्स थोड़े बड़े बड़े आने वाले हैं, तो उसकी तरफ आप फोकस कीजिए। तो सी वन कितना है हमारा, C1 है हमारा यहाँ पे 54, और B1 कितना है भाई हम लोगों का यहाँ पे 6 है, हाँ एकदम धीरे धीरे लिखो, और C2 कितना है हमारा 28 है, और ये कितना है हमारा 2 है। अब 54 इंटू 2 हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना, 54 इंटू 2 माइनस क्या लिखूंगा मैं 6 इंटू 28, तो 54 इंटू 2 कितना हो जाएगा हम लोगों का 100, 100 प्लस 8, 100 एंड 8 माइनस, अब ये करना पड़ेगा हम लोगों को 28 इंटू 6, तो 8 सिक्स हज़ार कितना होता है हम लोगों का 48 होता है। ठीक है, तो 8 सिक्स हज़ार 48, 6 टू हज़ार 12, 13, 14, 15, 16, तो कितना आ रहा है ये हम लोगों का 168 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 108 में अगर मैंने 60 प्लस किया तो 168 होएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये माइनस 60 आएगा, बराबर, क्योंकि बड़े का साइन क्या है हम लोगों का माइनस है। अब हम चलते हैं कहाँ पे भाई, डी वाई पे,
तो डी वाई तो हम लोगों को बहुत ही धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े नंबर्स हमको सोच समझ के यहाँ लिखने हैं। तो ए सी है तो क्या रहेगा, ए सी तो ए वन सी वन और ए टू और सी टू। अब हम लोगों को यहाँ पे इसके वैल्यूज लिखने हैं। तो ए वन कितना है हमारा, 4 है, और सी वन कितना है हमारा, 54, और ए टू कितना है हमारा, 3 है, और हम लोगों का ये क्या बोलते हैं इसको, ये कितना है सी टू, तो ये है हमारा 28। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो 4 इंटू कितना है ये हमारा 28, और ये क्या है हम लोगों का 54 इंटू 3, बराबर। तो ये कितना हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे अगर हम फोकस करते हैं तो ये तो हम लोगों का कितना हो रहा है, 112 हो रहा है। कैसे, तो 112 हो रहा है या कितना हो रहा है ये, नहीं एक मिनट रुको, बाद में करते इसको, घाई नहीं करते हम लोग। चलो चलो चलो, तो चलो अब ये कितना है, 480, 480 कितना होएगा हम लोगों का, एक मिनट रुको, नीचे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो 4 नहीं, यहाँ पर 28 इंटू 4, तो 480 कितना है हम लोगों का, 32 है, बराबर ना। 4 2 8 9 10 11, तो ये कितना हो गया हम लोगों का, 112 यहाँ पे आ रहा है, 112 आया है। और ये कितना है हम लोगों का, 3 4 4, ये देखो ना, 50 प्लस 50 प्लस 50, 150, हाँ 4 और ये 12, तो 162 हो रहा है। ये कितना हो गया ये हम लोगों का, 162। तो यहाँ पे ये क्या है हम लोगों का, जैसे अगर हम लोगों ने ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो 12 है ये यहाँ से 12, अगर मतलब समझो देखो यहाँ पे क्या है, ये 162 है, 162 माइनस अगर हम लोग 112 करते हैं तो क्या आ जाता है हम लोगों को, तो 150 आता है। कितना आता है हम लोगों को, सॉरी माइनस 50 आता है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया हम लोगों का, माइनस 50 आ गया, बराबर समझ गया। देखो 100 100 तो वैसे ही माइनस हो गया, हाँ 62 में से 12 चला गया, तो कितना बचा, 50 बचा, बराबर। तो यहाँ पे अब बड़े का साइन यहाँ पे माइनस में है, तो ये 50 आ गया। अब हम लोगों को कोई भी टेंशन नहीं है, अब हमारा सम पूरा हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का dx। अब देखो, अब समझो जरा बात को, हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे हमको एक और एक चीज को यहाँ पे देखना था, जो कि हमने गलती कर दी है उसको अब सुधार देते हैं। यहाँ पे dx dy नहीं लिखना है, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने इतना बड़ा यहाँ पे मिस्टेक किया है। तो अब आप प्लीज फोकस कीजिए बोर्ड पे। तो क्या करेंगे हम लोग, मालूम है क्या, ये जो x है ना, यहाँ पे हर जगह पे हम लोग, और y है वहां पे, m और n लगाते जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, m और n लगाएंगे। तो बस ये ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ही है, बराबर ना। तो ये भी यहाँ से कट जाएगा, हाँ, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे, बराबर। जब हम सम सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोगों को ब्लाइंडली नहीं सॉल्व करना है, कभी पी क्यू भी आ सकता है, एक्स वाई भी आता है, हमेशा एम एन आया है, इस बार ए बी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अब हमको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ए एम लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ लगाया एन, यहाँ पे क्या लगाया एम, और यहाँ लगाया एन, बराबर। ये तो ए वन ए टू ही रहेगा। अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो यहाँ पे ये m आया, और यहाँ पे ये कितना आया, n आया। अब हमको क्या फाइंड करना है भाई, यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखूंगा मैं, dm अपॉन d लिखा, फिर उसके बाद में हम लोगों का क्या आएगा, यहाँ पे जरा फोकस कीजिए आप, तो dm कितना आ रहा था हम लोगों को, तो माइनस 60 आ रहा था, और d कितना आ रहा था हम लोगों को, माइनस 10, तो माइनस माइनस तो ऐसे ही कट गए। तो हम लोगों का ये कितना आया, 6 आया। कैसे आया 6, पता चला आपको, तो 10 1 10, और 10 6 कितना होता है हम लोगों का, 60 होता है, वो लिख दिया हम लोगों ने। फिर देयर फॉर हमारा m इक्वल्स टू कितना आ रहा है भाई, 6 आ रहा है, बराबर ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों का क्या आ रहा है, n। अब हमको क्या फाइंड करना है भाई, n फाइंड करना है, तो n कैसे फाइंड करेंगे, तो dn अपॉन d, तो ये कितने हैं हम लोगों के, तो माइनस क्या है ये हम लोगों का, dn कितना है, तो माइनस 50 अपॉन माइनस 10 है, तो ये माइनस तो कट गया, और क्या आएगा, ये 10 1 10, और 10 5 कितना होता है, 50, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, बराबर ना।
ये कितना आ गया हम लोगों को यहाँ पे, फाइनल आंसर आ चुका है। तो देयरफॉर हम लोगों का, देयरफॉर एन इक्वल्स टू कितना आ चुका है हम लोगों को यहाँ पे, फाइव आ गया है, बराबर। अब हमको फाइनल आंसर लिख देना है, तो ये कौन से फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, तो एम कॉमा एन इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 6.5 इज द, क्या है ये हम लोगों का, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आई होप कि आपको ये जो है सम पूरा अच्छी तरीके से समझ गया है। अब हम चलते हैं सिक्स्थ और लास्ट सम पे, जो कि थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसको हमको अच्छी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर हमको इसको धीरे धीरे हम इसका सम सॉल्व करेंगे और हमको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन, और ये क्या है हम लोगों का, 2x+3y=2। और अब हम लोगों को क्या करना है ना, जरा फोकस आप कीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए, अब एक्स वाई है तो कोई डरने की बात नहीं है, a1x+b1y=c1। अब ये देखो जो सेकंड इक्वेशन है हमारा क्या है, ये हम लोगों का x-y/2=1/2, है ना। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसको नंबर दे दो 2, और ये था हम लोगों का 1। यहाँ पे नॉर्मली हम लोगों को सब जगह पे 1 2 इक्वेशन नंबर देना है, मैंने नहीं दिया है, आप दे देना है। अच्छा, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय कैसे करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x-y/2=1/2, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हम लोगों का नया इक्वेशन क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो फोकस कीजिए आप, तो 2x क्या हुआ, ये 2x हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये y=2 क्या है, ये हम लोगों का 1 है, बराबर। अब यहाँ पे हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, a2x+b2y=c2, ये हम लोगों का यहाँ पे ये बन चुका है। अब हम लोगों को लिखना है यहाँ पे a1 कितना है भाई हम लोगों का, 2 है, b1 कितना है हमारा, 3 है, और c1 कितना है हमारा, 2 है, फिर a2 कितना है हमारा, 2 है, और b2 कितना है हमारा, -1, और c2 कितना है हमारा, 1 है। अब फटाफट तरीके से हम लोगों को इसको यहाँ पे लिख देना है, तो d में क्या आता है हम लोगों का, abc back, तो ab का लिखना है हम लोगों को, तो क्या आएगा ये, 2 और 3 आएगा, 2 और -1 आएगा। चलो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 1, ये कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई था, 2 into -1, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 into 2 आएगा, तो ये -2, ये -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे कितना आ रहा है हम लोगों को, -8 आ रहा है। अब हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, dx जब हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या आता है हम लोगों का, cb आता है, बराबर। तो अरे यहाँ पे हमने वो लिखा ही नहीं, बराबर ना, चलो अब यहाँ पे लिखा नहीं तो कोई बात नहीं है, अब हम लोगों का ये लगभग लास्ट सम है, तो नहीं भी लिखा तो भी चलता है, ठीक है ना। तो वो आप एक लिख देना, क्या लिखेंगे हम लोग, सी और बी का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पे करके, तो क्या है हम लोगों का, सी और बी को वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3, फिर क्या आएगा हम लोगों का, 1, बराबर ना, सी और बी है ना, देखो सी और बी है, तो ये 1 और -1। अब मुझे आपको यही एक बात समझानी थी कि अगर आप ये ऐसे नहीं लिखोगे ना यहाँ पे, तो आपको बार बार इधर देखना पड़ेगा, उधर देखना पड़ेगा, इससे अच्छा है एक लिख दो, बराबर है ना। तो ये तो लास्ट सम था, इसके लिए मैंने नहीं लिखा, बाकी मैं लिख ही रहा था हरदम। अब ये क्या है हम लोगों का, 2 into -1, यहाँ पे क्या है, ये माइनस आया, फिर 3 into 1, ठीक है। तो चलो, तो कितना हो रहा है ये हम लोगों का, तो यहाँ पे ये आ रहा है हम लोगों को -2, फिर ये माइनस लिखा और ये 3 आ गया, और हम लोगों को ये जादू से आ गया -5, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कहाँ पे भाई, डी
वाई की ओर, तो डी वाई क्या है हम लोगों का, ए सी होता है। ए सी मतलब क्या होता है, ए वन कितना है, दो। सी वन कितना है, दो। ये कितना है, ए टू कितना है, दो। और सी टू कितना है, वन है। तो अब चलो हम लोग इसको कर देते हैं फटाफट सॉल्व। तो ये हो जाएगा 2 1s are माइनस, क्या लिखूंगा मैं अब यहाँ पे, 2 into 2, तो ये कितना है, 2 आ गया। और हम लोगों को यहाँ पे ये कितना आ रहा है, एक मिनट रुको, ये कितना आ रहा है, ये हम लोगों को 2 आया, और ये 2 2s are 4 हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का -2, बराबर ना। तो चलो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का, dx/d। तो dx कितना है हमारा यहाँ पे, -5 है। और d कितना है हमारा, -8 है। तो ये माइनस माइनस कटा, और ये कितना आ गया, 5/8। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना है हमारा, 5/8 है। इससे आगे ये फर्दर सॉल्व हो सकता है क्या भाई, नहीं हो सकता है। तो हमको इसको इतने पे ही रखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, y को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है हम लोगों का, dy/d। तो dy कितना आया है भाई हम लोगों को, -2 आया है। ये कितना है हम लोगों का, -2 है। और ये है हमारा -8। क्या हम इसको ऐसे ही देखते रहेंगे क्या, नहीं। तो हम लोगों का ये और ये तो कट जाएगा, और ये 2 1s are 2 हो जाएगा, और ये 2 4s are 8 हो जाएगा, और ये हो गया हम लोगों का 1/4। और वाई का वैल्यू आ चुका है हम लोगों को कितना भाई, सक्सेसफुली तरीके से 1/4 आ चुका है। तो दिस इज आवर सोल्यूशन, 5/8 एंड 1/4। तो हम लोग अब यहाँ पे लिख देते हैं x, y इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 5/8। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 5/8। और 1/4 इज द, क्या है ये हम लोगों का, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आई होप कि आपको ये जो क्रेमर्स रूल था हमारा बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। लास्ट सम में मैंने यहाँ पे a1 b1 और ये सब लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा लिखना होगा, मुझे ये अब लास्ट सम था इसलिए मैंने आपको इस तरीके से भी एक बार करके बता दिया। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड फ्रेंड्स, एबीसी बैक को याद रखना, एबीसी बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व क्रैमर्स रूल। ये मेरा अकेले का ट्रिक है, एबीसी बैक। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू न्यू वीडियोज। थैंक यू, जय हिंद।